हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डेज टू डॉक्टर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे पता है आज एक्चुअली क्या है कि प्रोनाउन चैप्टर का एक भी सेट आपने एरर नहीं दिखा अभी। तो आज हम लोग प्रोनाउन का करेंगे कॉमन एयरस बेसिकली क्या है कि प्रोनाउन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि प्रोनाउन का जो क्वेश्चंस है आखिर बनाएं कैसे तो प्रोनाउन समझ तो आता है भाई प्रोनाउन पढ़ा हमने बचपन से कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है उसे प्रोनाउन कहते हैं अगर मान लो नाउन का रिपीटेशन ना रोके तो क्या इसका यूज नहीं होगा बिल्कुल होगा प्रोनाउन एक सेपरेट यूज भी होता है सब्जेक्ट के अनुसार भी यूज होता है उसके ऊपर हम करने का प्रयास करेंगे अब यहाँ पर देखिए आई यू एंड सी वर्क टुगेदर इन दिस ऑफिस नो एर यह हम इसको ए कर देते हैं इसको बी कर दिया इसको सी कर दिया इसको डी कर दिया अब आप मिलकर के बनाने का प्रयास करो कि आखिर इसमें गलती कहाँ है इसमें कहाँ प्रॉब्लम है तो इसको मैं बात करूँ आपसे बच्चे कि सबसे पहले ध्यान देना है प्रोनाउन में कि जब भी आप प्रोनाउन पढ़ो तो इसमें दो तीन बातों पर ध्यान दो कि आखिर प्रोनाउन का यूज़ कहाँ हुआ है अब देखिए आई बिल्कुल प्रोनाउन है कि नहीं यू प्रोनाउन है शी प्रोनाउन है राइट अब देखो वर्क टुगेदर एक साथ काम किया इन दिस ऑफिस तो यह सब वर्ब की पार्ट है एरर प्रोनाउन का है तो क्यों ना हम प्रोनाउन को ही चेक करें तो प्रोनाउन को चेक करें तो यहां पे ध्यान देना है कि आई यू एंड सी वर्क टुगेदर अब देखो ए पार्ट में वन टू थ्री है फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन वन का मतलब फर्स्ट पर्सन यू का मतलब सेकेंड पर्सन थ्री का मतलब थर्ड पर्सन तो जब भी रूल कहता है कि वेन मोर देन वन प्रोनाउ है ना वेन टू और थ्री प्रोनाउज टूगेदर इन सेंटेंस द नॉर्मल ऑर्डर इज दो सौ इकतीस तो नॉर्मल ऑर्डर इज सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन पर्सन कितने होते हैं बच्चे तीन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में आई और वी फर्स्ट पर्सन आई वी सेकेंड पर्सन यू यू थर्ड पर्सन ही सी इट नेम और उसका प्लुरल क्या बनता है दे तो अगर तुम्हारा पर्सन तीन एक साथ आ गया हो और सेंटेंस का सेंस नॉर्मल हो तो उस केस में धारा 231 लगाते हैं 231 का मतलब हो गया कि पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन राइट अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपके साथ सही है अगर तीन आगे दो ही आ जाए तो सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन ऐसा करना सही होगा अब यहां ध्यान दो आई यू एंड सी तो ये गलत हुआ कि नहीं होना चाहिए था यू सी एंड आई यू सी एंड आई दो सौ इकतीस टू थ्री वन धारा दो सौ इकतीस टू थ्री वन फिर सुन लो यदि दो से ज़्यादा प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाएँ यदि दो से ज़्यादा प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाएँ और सेंटेंस का सेंस नॉर्मल हो तो उस केस में टू थ्री वन का प्रयोग करते हैं पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन तो बोलो सही क्या होगा यू सी एंड आई वर्क टूगेदर इन दिस ऑफिस अब ये सेंटेंस सही हो गया यानी आई यू सी को कट कट करेंगे और सही करेंगे यू सी एंड आई ये बात समझ में आया बच्चे या नहीं आया आया ना तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि समझने में कहाँ दिक्कत है एक्चुअली क्या है कि प्रोनाउन का क्वेश्चंस कैसे बनाएं वो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं अगला क्वेश्चन देखिए दिस पेन इज माई एंड दिस बुक इज योर्स अब ध्यान दो कि माई आवर योर्स क्या काम करता है अब देखो दिस पेन इज माई अब देखो माई आवर योर हीज हर दियर दीज आर दिव एडिक्टिव अगर माई का प्रयोग किया गया हो ना तो माई के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए यानी आप ऐसे कह सकते हो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो पहला मैं हटा दूं आप अब मैं सेकेंड प्ले समझाऊं फिर मैं आगे बात करूं फर्स्ट की बात हटा दूं। अब देखो समझाने के लिए देखो यहाँ पे माई आवर योर हर दियर ये सारे शब्दों का प्रयोग जब भी आप करोगे ना तो इसके बाद नाउन का प्रयोग करना ही पड़ेगा यानी आप ऐसे कह सकते हो कि माई प्लस नाउन बराबर माइन माई प्लस नाउन बराबर माइन अब देखो माई के बाद नाउन आएगा लेकिन माई के बाद माइन के बाद नाउन नहीं आएगा जैसे दिस पेन इज माई दिस पेन इज माई गलत है दिस पेन इज माइन या बोलेंगे दिस इज माई पेन दिस इज माई पेन माई पेन माई बुक माई टेबल माई बिल्डिंग माई हाउस लेकिन दिस बिल्डिंग इज माइन दिस पेन इज माइन तो माइन योरस यानी ध्यान देना कि माई आवर योर ही इज हर दियर के बाद नाउन आता है लेकिन अगर यहीं पर कर दें माइन आवर्स Yours, his, hers, theirs, इन सब के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते इन सारे शब्दों के बाद नाउन लगाते हैं नीचे वाले शब्दों के साथ नाउन का प्रयोग कभी नहीं करते यानी देखो दिस पेन इज माई नहीं क्योंकि माई बोलता तो यहाँ पेन नहीं आता तो बोलते दिस इज माई पेन तो सही होता तो दिस पेन इज माइन यानी माई के स्थान पे माइन का प्रयोग करना होगा तो दिस पेन इज माइन माइन क्यों आया क्योंकि माइन का मतलब हुआ कलम मेरा है दिस इज माई दिस इज माई देखो एंड दिस बुक इज योर्स देखो तो योर्स क्या यहां पे योर्स तो दिस बुक इज योर्स दिस पेन इज योर्स तो दिस पेन इज योर्स हो सकता है लेकिन दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स तो यहां पे अगर माई होता तो माई का प्रयोग कर सकते थे यहां तो वो दिक्कत नहीं है अगला कॉन्सेप्ट देखिए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे एक एक पार्ट समझने का प्रयास करिए बेसिकली मैं आपके लिए काम कर रहा हूं ताकि आप सीखो चूंकि देखो एग्जाम की तैयारी स्पीकिंग करते हो राइटिंग करते हो तो आप गलत ना बोलो सही बोलने का प्रयास करो अब देखो इच मस्ट कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू दियर कैपेसिटी अब देखो इच अब चार वर्ड आप लिख लो कौन कौन सर ईच कॉपी क्लब निकालो लिखो ईच एवरी आइदर कहीं भी दिख जाए कौन कौन सा कहा ईच एवरी आईदर नाइदर जहां कहीं भी दिख जाए इसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और आने वाला भर भी सिंगुलर और एक बात प्रश्न तो ईच बॉय इच बॉय एंड ईच गर्ल इज होगा ई एवरी बॉय इज होगा आ इधर बॉय इज होगा ना आदर बॉय इज होगा एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट टू कहता है कि ईच जो है ना इच के साथ ये दियर देखो अब ईच आता किसके लिए इच बॉय व्यक्ति के जा रहा है तो यहाँ पे ईच एवरी के साथ ईच एवरी के साथ, साथ हीज या हर का प्रयोग करते हैं ना कि दियर का चूंकि ये सिंगुलर है तो ये भी तुम्हारा सिंगुलर है और अगर हम दियर लगाते हैं दियर तो ये हो जाता है प्लूरल तो ये गलत होगा तो ईच मस्ट कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू दियर नहीं अकॉर्डिंग टू हिज अकॉर्डिंग टू हिज भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू हर भी कह सकते हो तो यहाँ पर जानना यह है कि ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है बच्चे सिंगुलर तो ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन यूज होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर तो ईच मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हीज कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू हर कैपेसिटी दियर का प्रयोग नहीं करेंगे अगर आपको एरर नहीं बनता है आपसे क्वेश्चंस नहीं बनता है तो आप इसके माध्यम से क्वेश्चंस बना सकते हो मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊं मेरा मकसद यह है कि आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका दिखाऊं जिससे आपसे क्वेश्चन बन जाए अगर देखो यू आर द मैन हु हैव वॉन एरर अब देखो बच्चे ध्यान दो हु आप यहां हो यूट्यूब पर और हजार लोगों से क्वेश्चन करो आपका नंबर अब्बल आना चाहिए अगर आपने मेरा यूट्यूब देखा है तो यानी आपका रैंक सबसे ऊपर होना चाहिए हु विथ दैट अगर किसी सेंटेंस के बीच में दिख जाए देखो दिखा कि नहीं देखा दिखा ना दो यू आर द मैन हु हैव ऑन द मैच आप आंसर चेक करते रहो तो हु विथ दैट अगर सेंटेंस के बीच में कहीं दिख जाए तो आने वाला जो वर्ब होगा वो से पहले वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होगा इसके अनुसार वर्ब डिसाइड होगा अगर यहां पर हु से पहले नाउन नाउन सिंगुलर हो तो आने वाला भी सिंगुलर होगा और हु से पहले वाला नाउन अगर प्लूरल हो तो आने वाला भी होगा इसी के अनुसार गाइड होगा बच्चे करो तो who which that, अगर सेंटेंस के बीच में कहीं दिख गया, इसे हम लोग कहते क्या है इसे कहते हैं रिलेटिव इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं या रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं यह बेसिकली दो चीज को जोड़ता है अब देखो यू आर द मैन Who, तो बोलो हु रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं आप अंग्रेजी बोलो गलत राइटिंग करो गलत एग्जाम दो गलत नहीं आप हमेशा सही दोगे क्योंकि आप डी एस एल प्रोडक्ट हो आप डी एस एल में क्लास लेते हो इसलिए आपका नंबर सबसे बेहतर होना चाहिए अब देखो हु से पहले कौन है मैन अब बताओ मैन क्या हुआ सिंगुलर तो इसी के अनुसार बोलो है आएगा या हैज आएगा है जाएगा ना तो यू आर द मैन हु हैज बॉन दिस रेस अब ये सेंटेंस सही हो गया यू आर द मैन हु हैज क्योंकि हु का पड़ोसी कौन है मैन तो मैन का अनुसार क्या आना चाहिए हैज और देखते हैं वहां पे कि हमने कॉमन एरर अब करते हैं फिलिंदी ब्लैंक्स अब फिलिंदी ब्लैंक्स देखो ना कितना महत्वपूर्ण है मत पूछो कितना एग्जाम पूछता है भरा पड़ा रहता है एग्जाम में हजारों क्वेश्चंस आप बस देखते जाओ और बनाने का प्रयास करो हमने कहा यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन आई की मी अब यहां पे खाली स्थान दे दिया है अब यहां ऑप्शन दे दिया ए में दे दिया आई और बी में दे दिया मी अब मुझे सोचो जल्दी बताओ कोई कॉपी में लिख लो पहले इसको स्क्रीन शॉट लेकर के अब आप मुझे बताओ कि आई लगाऊं कि मी लगाऊं आई लगाऊं कि मी अब मुझे बताओ तो देखो यहां पे यू आर टॉलर एंड मोर एड सम मी ऐसा करोगे ना गलत हो जाएगा मी लगाना गलत है क्यों सर क्योंकि जब सब्जेक्ट है देखो सब्जेक्ट और देन देखो से तो रूल कहता है कि यदि देन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केस वेन कंपेरिजन इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और टू ऑब्जेक्ट्स अगर देन से पहले कोई सब्जेक्ट हो तो देन के बाद भी सब्जेक्ट होगा यानी कि आंसर पे क्या हो जाएगा आई यू आर मोर यू आर टॉल एंड मोर हैंडसम देन आई मी नहीं होगा देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है मी तब होगा जब देन से पहले मी होगा हिम होगा कोई ऑब्जेक्ट होगा तब होगा ये बात समझ में आया अगला पॉइंट देखो इस पर हम यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं देन का स्पेशल बनाया हूं उसको चेक कर लेना दूसरा है इट इज ध्यान देना पढ़ाया होगा ईट का प्रयोग यूट्यूब पे ईट के बाद प्रोनाउन है ये ईट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं लोग बोलचाल चाल में इट्स मी बोलते हैं गलत इट इज ही ना के हीम क्या लगाएंगे इट इज ही इट इज ही हु हैज द इट इज ही नॉट हिम बच्चे अगला देखो एवरी वन शुड वर्क फॉर नेशन एवरी वन एवरीबडी संबन संबडी नोवन नोबडी एनी वन एनी बडी संबन के साथ अगर संबन संबडी होना नोबन नोबडी होना एनी वन एनी बडी होना तो के साथ कभी भी दियर नहीं हमेशा हिज का प्रयोग हिम का प्रयोग ही का प्रयोग क्योंकि ये व्यक्ति को शो करता है संबंध से बड़ी नोवन नोबडी एनी वन एवरीवन एवरीबडी रेफर्स टू पर्सन और पर्सन है तो यहां पे क्या हो जाएगा एवरीवन शुड वर्क फॉर हिज नेशन क्या करोगे हर होता तो हर का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होगा his nation. देखो हीज से अबाउट यू एनी थिंग समथिंग अब ध्यान देना जब भी डिडंट क्या हुआ नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव के लिए एनी का प्रयोग और पॉजिटिव के लिए सम का प्रयोग करते हैं पता है ना नेगेटिव के लिए एनी का प्रयोग करते हैं और पॉजिटिव के लिए सम का प्रयोग करते, करते हैं तो हिडन से एनीथिंग तो यहां क्या लगाएंगे हम एनीथिंग लगाएंगे एनीथिंग एनीथिंग अबाउट यू यून से एनीथिंग अबाउट यू समथिंग गलत होगा देर गलत होगा मेरे बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस तरह से अब दिल्ली दूर नहीं है एग्जाम पास करना चाहते हैं यूपीएससी एस एस सी सी पीओ भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और दिल्ली आकर पढ़ना चाहते हो आ जाओ मेरे पास अब दिल्ली दूर नहीं है यहां पे आ जाओ बैठा कर पढ़ाऊंगा क्यों नहीं अंग्रेजी आएगा सिखा दूंगा अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हो तो आप डी एस एल का ऐप डॉ डाउनलोड करो घर बैठे पढ़ना चाहते हो स्पोकन पढ़ना चाहते हो फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो घर बैठे करना चाहते हो तो डीएसएल का ऐप डाउनलोड के जाओ, पे जाओ कॉम उस पर जाकर के आप कहीं भी जाओ और प्ले स्टोर से डीएसएल इंग्लिश डाउनलोड करके ऐप आप घर बैठ के डिटेल क्लास कर सकते हो बढ़िया से क्लास कर सकते हो मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूं थैंक यू